रीवा जिले से है, जहां बाजार से घर जा रहे युवक के ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला दी। गोली युवक के कंधे पर लगी है। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनाका खिंच गया। आनंद फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। युवक चोराटा थाना क्षेत्र के पड़िया का रहने वाला है, जिसके साथ मगुरिहाई में घटना घटित हुई है। घायल प्रभात सिंह पटेल बताया जाता है, जिसका विगत दिनों कुछ लोगों से विवाद हुआ था। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि जिन संदेहियों के नाम घायल के द्वारा बताए गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। रिहाई के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया था, तो कंधे पे गोली लगी है उसके। डॉक्टर अज्ञात व्यक्ति को संदेह ही है, उनको अपन तलाश रहे हैं, जो भी कट वाली नाम आएंगे सब। क्या नाम है, कहाँ का? घायल पड़िया का रहने वाला है और उसका नाम है प्रभात सिंह पटेल। और उसकी स्थिति कैसी है? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मतलब कुछ पुराना विवाद था। हाँ, वो बता रहा कि कुछ लोगों से मेरा पुराना विवाद है, हो सकता है उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर ऐसी घटना कारित करी। घटना कारण भी स्पष्ट नहीं, अभी अभी क्लियर नहीं किसने मारा, क्यों मारा भी क्लियर। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।